बस में पहले एक ही बस लग रही थी, फिर स्ट्रेंथ बढ़ने लगी, उसके बाद अब सेकंड बस की वो करी है, व्यवस्था करी है, आज से वो भी स्टार्ट हो जाएगी। और स्कूल में भी रेगुलर पढ़ाई हो रही है, बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं तो, और स्कूल्स में अभी एडमिशन्स हुए नहीं है जितने यहाँ पे हो रहे हैं। पहले भी आप जाते होंगे स्कूल में, हाँ तो पहले अभी किस तरीके की फैसिलिटी मिलेगी आपको जैसे नई बस स्टार्ट हो गई? अब पहले स्ट्रेंथ ज़्यादा होने लगी तो बस की व्यवस्था करी है, तो अब फैसिलिटी अच्छी ही होगी। ये बस बहुत ही अच्छी है, स्कूल भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। और हम स्कूल में आए तब, हम न्यू एडमिशन है और बस में मतलब बहुत सारे बच्चे आ रहे थे और भीड़ ज़्यादा थी, इसीलिए अब ये न्यू बस लगवाई है और अब इसकी फैसिलिटी भी अच्छी होगी। पहले कैसे प्रॉब्लम आती थी, फेस करनी पड़ती थी? खड़े होके जाना पड़ता था, बहुत सारे बच्चों को सीट भी नहीं मिलती थी और ये बड़े बच्चे भी बैठ जाते थे कभी कभी, और मैम को भी बहुत एडजस्ट करना पड़ता था। अब नई बस लगवा दी तो अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोड़िया कमालपुर स्कूल के लिए ये दूसरी बस का आज हम शुभारम्भ कर रहे हैं। इसमें मैं सभी साथियों का धन्यवाद करूँगा, विशेषकर रोडवेज कर्मचारियों का और गांव के सभी सरपंच साहिबान का और डॉक्टर साहब बलवान का, अमित यादव जी का, क्योंकि ये लगातार इसमें निरंतर लगे रहते हैं। सहयोग तो सबका ही होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, इसलिए इस शुभ अवसर पर मैं सबको हार्दिक बधाई और इनका स्वागत करते हुए परमात्मा और इसी तरह से ही सुख सुविधाएं बढ़ाता रहे ताकि इसका सबको फायदा हो सके। और ये बड़ी बात है, आज शहर से लोग गांव की तरफ पढ़ने जा रहे हैं, वरना तो गांव से शहर की तरफ दौड़ते हैं। तो मैं स्टाफ को भी बधाई दूंगा कि इस तरह का माहौल आपने स्कूल का पैदा किया है। और हमारे प्रिंसिपल साहब जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बोड़िया के हैं, हरि प्रकाश जी भी हैं, बीओ साहब राजकुमार जलवा जी भी हैं, क्योंकि राजकुमार के समय से ही बोड़िया कमालपुर का नाम बाला है, इसलिए आज हरि प्रकाश जी कमान को भी संभाल, पहले कोई और संभाल रहा था, आज ये संभाल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। अगर इस तरह का माहौल अगर गांव की तरफ शहर का रुझान है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें ये विचारणीय विषय है। और विचार ऐसे ही नहीं होता, इसके पीछे इनका श्रम लगा है, इनकी मेहनत लगी है।